हमारे साथ जुड़ने के लिए किसी भी वीडियो के नीचे लिखे हुए सब्सक्राइब को अभी दबाएं और इसको दबाने के बाद इसके साथ लगी बेल को भी दबाएं ताकि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो हमारी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे दशहरे के दिन करे जाने वाले कुछ खास उपाय, जिससे कि आप अपने किस्मत को और भी ज्यादा निखार सकते हैं और भी ज्यादा अच्छी बना सकते हैं। दशहरे को सर्व सिद्धि मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा पृथ्वी से अपने लोक के लिए प्रस्थान करती है। इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध भी किया था। इतना ही नहीं, नवरात्र के दिन कुबेर ने स्वर्ण की वर्षा करके धरती वासियों को धन धान्य से खुशहाल बनाया था। इसीलिए दशहरे के दिन पूरे साल को खुशहाल और धन धान्य से परिपूर्ण बनाने के लिए कुछ आसान से उपाय लोग सदियों से करते आए हैं। इस दशहरे आप भी इन उपायों को आजमाकर अपनी जिंदगी और भी खुशहाल बना सकते हैं। दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा करें और संभव हो तो इस दिन अपने घर में शमी का पेड़ लगाएं और नियमित रूप से धूप दीप दिखाएं। मान्यता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए शमी के पत्तों को सोने का बना दिया था और तभी से शमी वृक्ष को सोना देने वाला वृक्ष माना जाता है, इसलिए इसका पूजन अवश्य करें। इसी के साथ साथ दशहरे के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन भी बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यह पक्षी दिखे तो आने वाला साल खुशहाल ही खुशहाल होने वाला है। जिन व्यक्तियों को नहीं पता कि नीलकंठ पक्षी किस प्रकार से दिखता है, उसका रूप कैसा है, तो आपकी स्क्रीन पर नीलकंठ पक्षी की फोटो को दर्शाया जा रहा है। यह पक्षी खुद में ही भगवान शिव का एक रूप है। रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियां अगर आपको मिल जाए तो उसे घर में जाकर कहीं सुरक्षित रख दे। इससे घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश कभी नहीं होता। मित्रों, ध्यान रहे, दशहरे के दिन लाल रंग के नए कपड़े या रुमाल से माँ दुर्गा के चरणों को पोंछकर, यानी माँ दुर्गा के चरणों को साफ करके इस कपड़े को अपनी तिजोरी या अलमारी में रख सकते हैं। इससे घर की बरकत बनी रहती है। दशहरे के दिन सिर पर जयंती रखें और ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाध नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करते रहें कम से कम 7 बार या 21 बार। जिस व्यक्तियों को नहीं पता कि खेतरी ज्यो जयंती किसे कहती हैं, तो फोटो में दिखाया जा रहा है, ये होती है जयंती। आज के लिए इतना ही। मित्रों, स्वामी जी द्वारा किसी भी प्रकार की मुफ्त सलाह के लिए सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक और हर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस भविष्य में भी देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल स्वामी जी वीडियोस तथा ओम नमो नारायण को अभी सब्सक्राइब करें। ज्यादा मुश्किल नहीं है मित्रों, सिर्फ इस फोटो को दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।